सो हे गाइज, वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। सो गाइज, ये है रियलमी का 12 Pro Plus 5G। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम बस यही देखने वाले हैं कि जिस हिसाब से इस फोन की प्राइस है, उस हिसाब से इसके प्रॉस क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, इसके स्पेक्स क्या हैं, बस वही यहाँ पे दोस्तों ओवरव्यू होने वाला है। सबसे पहले दोस्तों, अगर फोन के वेट की बात करें तो 190 ग्राम का है ये फोन, यानी कि बहुत ही लाइट वेट है दोस्तों। हाथ में एकदम बल्कि फील नहीं होगा, एकदम बढ़िया है दोस्तों। यहाँ पे दोस्तों बैक साइड में आपको कॉर्नर्स दिख रहे हैं, जिस तरीके से डिस्प्ले की साइड है उसी तरीके से सेम यहाँ पे दोस्तों एकदम फ्लैट कॉर्नर से आप देख सकते हैं। अगर आपको ये चीज़ अच्छी लगती है तो आप इसको ऑफकोर्स बाई कर सकते हैं। बहुत लोगों को ऑकवर्ड लगता है, उनको बैक में कर्व चाहिए होता है, तो आप इस चीज़ को ज़रूर नोटिस करिएगा। कुछ ये है इसकी बैक डिज़ाइनिंग, आप देख सकते हैं कि लेदर फिनिश इसमें आपको मिलती है। बाकी कैमरे की बात कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्वाड कैमरा सेटअप है, जो कि OIS इसमें सपोर्टेड है। यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का आपको OIS कैमरा देखने के लिए मिलता है, 8 मेगापिक्सल का दोस्तों अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का दोस्तों आपको पोर्ट्रेट, एंड बाकी यहाँ पे आपको एक माइक्रो लेंस दिया हुआ है। एंड यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं कि सिल्वर कलर की एक लाइनिंग जाती है एकदम मिडल से होते हुए, जिस पर टेक्सचर थोड़े थोड़े यहाँ पे प्रिंटेड हैं। बाकी दोस्तों पोर्ट एंड बटन की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे राइट साइड में आपको एक पावर ऑन ऑफ का, फिर वॉल्यूम रॉकर्स उसके ऊपर जस्ट है। अपर साइड की बात करें भाई, तो आपको यहाँ पे 3.5 mm का जैक देखने के लिए मिलता है। फ़ोन दोस्तों स्टीरियो स्पीकर्स के साथ आता है, इसलिए आपको यहाँ पे अपर साइड में एक स्पीकर देखने के लिए मिलता है, और यहाँ पे एक नॉइज़ कैंसिलेशन के लिए माइक्रोफोन दिया हुआ है। और यहाँ पे दोस्तों हम डाउन साइड की बात कर लेते हैं, तो आप देख सकते हैं कि एक डाउन ग्रिल स्पीकर आपको देखने के लिए मिलता है, बाकी टाइप सी पोर्ट, एंड यहाँ पे आपको ये आपका सिम कार्ड ट्रे वाला टूल दिया हुआ है। एंड यहाँ पे ये दोस्तों डुअल 5G को सपोर्ट करता है ये फ़ोन। अब बात करें दोस्तों इसकी बैटरी की, तो आपको यहाँ पे 5000 mAh की दोस्तों बैटरी मिलती है, जो कि 67 वाट की चार्जिंग के साथ आती है। इन द बॉक्स दोस्तों आपको 67 वाट का चार्जर देखने के लिए मिलेगा। फोन में दोस्तों आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट दिया हुआ है, एंड दोस्तों जितने भी फोन में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट्स होते हैं वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि दोस्तों साइड माउंटेड और यहाँ पे बैक साइड से हटकर दोस्तों सीधे डिस्प्ले पे आप यहाँ पे टच करिए और सीधे आपका फोन ओपन हो जाता है। ये दोस्तों फ्रंट साइड में आपको कैमरा दिख रहा है, ये 16 मेगापिक्सल का है। अभी दोस्तों रात का समय है और मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। अभी दोस्तों जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उस पर दोस्तों कंप्लीट आपको यहाँ पे कैमरा टेस्ट और बाकी जो और भी सारे टेस्ट होंगे वो सभी उस पर दोस्तों वीडियो बनाऊंगा। और दोस्तों यहाँ पे फाइनली मैं आपको बता दूँ, आप बाद में वीडियो वो वाली देखें या ना देखें, लेकिन यहाँ पे ये फ़ोन दोस्तों काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम लगता है अगर आप इसको परचेस करते हैं। दो चीज़ें दोस्तों आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलती हैं, दो या तीन चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं आपको दोस्तों अगर आप इसको परचेस करते हैं। तो इसका दोस्तों हैंड लुक, अगर आप इसको अपने हाथ में लेते हैं तो यहाँ पर दोस्तों आपको एकदम प्रीमियम वाली फीलिंग आती है। यहाँ पर दोस्तों कई सारे कलर्स आपको इस फ़ोन में देखने के लिए मिल जाते हैं। और एक चीज़ और है, यहाँ पर दोस्तों ये फ़ोन 8GB 128GB के वेरियंट के साथ आता है। बाकी दोस्तों इसमें आपको 8 के साथ दोस्तों उसके बाद शायद से 12GB एंड 256GB देखने के लिए मिलता है। आप दोस्तों एक्सटेंड कर सकते हैं 8+8GB, यानी कि 16GB तक रैम दोस्तों एक्सटेंड कर सकते हैं। परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं तो भाई, तो आपको यहाँ पे मीडियाटेक डायमेंसिटी 7050 का प्रोसेसर देखने के लिए मिलता है, जिसका ड्यू टू इसको लगभग 5.5 लाख है। ठीक, तो अंडर 20,000 रुपये में दोस्तों मुझे एक वर्दिट फ़ोन ये लगा, इसलिए दोस्तों इसको परचेज कर लिया मैंने। और बाकी ये कुछ इसका ओवरव्यू रहा, और कंप्लीट वीडियो चाहिए तो कमेंट करिए, क्योंकि अभी मैं और भी दोस्तों कई सारे वीडियोस पे वर्क कर रहा हूँ, तो आई होप सो लेट हो सकता है। अगर आपको दोस्तों इसको परचेज करना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।